आज हम खास खास मुद्दे जो पिछले हफ्ते के थे उस पर बातचीत करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के जाने माने टीवी चैनलों के चुनिंदा एंकर पत्रकारों के खिलाफ राजनीतिक दलों ने खुल्लम खुला विरोध शुरू किया है। बाजाब्ता 14 एंकरों की ब्लैकलिस्ट जारी कर दी गई है। यह लिस्ट सत्ता या सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है जी, मतलब किसी सत्ताधीश की ओर से जारी नहीं हुआ है, बल्कि यह कारनामा किया है विपक्षी दलों ने। इससे एक खास संदेश तो जाता ही है कि क्या नया नया गठित इंडिया गठबंधन, जी हाँ, इंडिया अलायंस ने कोई बहुत बड़ा साहस करके दिखाया है। इस बात को लेकर लोग उसको दाद दे रहे हैं। इस देश में इससे पहले भी पत्रकारों पर दमन और बॉयकॉट की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अघोषित तौर पर, जी हाँ, जिसकी घोषणा नहीं की गई, ये चुपके चुपके सब कुछ होता रहता है। इसके लिए सत्ताधीशों के नाम आते रहे हैं उनका, कि फलां एक जो मंत्री जी हैं उनके आदेश पर हुआ, या फलां प्रधानमंत्री है उसके कहने पर हुआ। कहा जाता है कि उसी समय कि कहा जाएगा कि सत्ता का नशा होगा, ऐसा लोग कहते हैं ऐसे वक्त पर कि सत्ता का नशा होगा। इस 14 एंकरों के बायकॉट की घोषणा पिछले 2-3 दिनों से खास तबकों में ही नहीं बल्कि आम जन में काफ़ी बहस मुबाहसा का कारण बनी हुई है। आज के साप्ताहिक करेंट कमेंट्स कार्यक्रम में यही घटना खास रहेगी। दूसरी खबर जो हम जो हफ्ते भर चर्चा में रही वह है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार संसद में बिल पास करने वाली है जी, एक बिल लाने वाली है। इस बिल में कुछ ऐसा है कि वह सवाल ही नहीं बल्कि सवालों का ज्वाला बनकर धधक रहा है। खूब लोगों में चर्चा हो रही है। सवाल है, सवाल क्या है? इस बिल को पास कराकर केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग के पर कतरने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग न उड़ पाए इसको इसकी कोशिश हो रही है, ताकि आयोग अब खुलम खुला सरकार के इशारे पर नाचे। क्या चुनाव आयोग अब एक सरकारी दफ्तर भर बनकर रह जाएगा? हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम करेंट इवेंट्स का तीसरा और अंतिम मुद्दा होगा 5 दिनों का विशेष सत्र, जो स्पेशल सेशन जो मोदी सरकार ने बुलाया है उसको लेकर। इसकी घोषणा तो कई दिनों पहले हो गई लेकिन एजेंडा को गोपनीय रखा गया था। अब पिछले 3 दिनों पहले 4 बिल पास कराने की बात कही जा रही है मोदी सरकार की ओर से। जाहिर है अटकलबाजियों का बाजार गर्म होना ही था। कई सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। क्या इसके पीछे मोदी सरकार को और भी कुछ हिडन एजेंडा है? ऐसा लोगों में चर्चा हो रही है क्या, या फिर कहीं ऐसा ऐसे मुद्दे को सामने लाकर कुछ गंभीर चिंता का विषय दबाने छुपाने की साजिश तो नहीं हो रही है? बहरहाल चलिए शुरुआत करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं देश के जाने माने दिग्गज पत्रकार उत्तम सेनगुप्ता। अगले 20-25 मिनट हम उत्तम दास से ही उनकी बातें सुनेंगे। इन तीनों सवालों पर उनकी खास टिप्पणियां होंगी। तो हम उत्तम दास से जुड़ते हैं। उत्तम दा को नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार, उत्तम पिछले बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी अभी हमने एक इंट्रो में हमने जस्ट जानकारियां दी हैं। 3 सवाल जो है वो सब कुछ आपसे ही सुनना चाहेंगे हम लोग, है ना? तो बिल्कुल पहला पहला जो सवाल है उसको लेकर हम आपसे आपकी रुचि के अनुसार हम जानना चाहेंगे। लेकिन एक खास बात यह है उत्तम दा, हमने सेगमेंट रखा, 3 सेगमेंट में रखा है, और हर सेगमेंट का पहला 2 सेगमेंट जो है वो तो 7-7 मिनट का है, और अंतिम सेगमेंट जो है वो मात्र 4 मिनट का है। तो पहले सेगमेंट से हम शुरुआत करते हैं आपसे। बिल्कुल। तो आप एंकर्स के बारे में बता रहे थे कि टेलीविजन एंकर्स का बॉयकॉट, ये सही है या गलत हाँ है?
राइट। लेकिन विपक्षी मोर्चा जो इंडिया गठबंधन है वो इसको बहिष्कार नहीं कह रही है, वो इसका कह रही है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। और वो मिसाल ये दे रही है कि महात्मा गांधी भी जो है 1926 में अखबारों का बॉयकॉट की बात उन्होंने किया था वहां पे, और ये कोई नया नहीं है वहां पे, ये पहले भी जो है ये होता रहा है जैसा आपने शायद कहा अपने इंट्रो में वहां पे। तो ये 14 एंकर्स को नाम क्यों दिया गया, लिस्ट क्यों जारी किया गया, इस पर अटकलबाजियां हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ, किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा वगैरह वगैरह वहां पे। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं हो रही है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो घोषित तौर पर जो है NDTV चैनल का बॉयकॉट कर चुकी है। वो NDTV चैनल को घोषणा करके उन्होंने कहा था कि भाई हम इस चैनल में नहीं आएंगे। अब वो NDTV चैनल अदानी जब से ले लिया है, अदानी ग्रुप ने, तब से वो भाजपा के नेता वहां पे जाने लगे हैं, लेकिन उसके पहले वो कभी जाते ही नहीं थे। और अभी भी तमिलनाडु में जो तमिल चैनल्स हैं वहां पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी घोषित तौर पर जो है वो नहीं जाती, वो अपने प्रवक्ता को नहीं भेजती है वहां पर, राइट। और यही नहीं, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंकर्स का भी बॉयकॉट कर चुकी है। जैसे करण थापर को उन्होंने बॉयकॉट किया, और करण थापर को जो है 2017 में इंडिया टुडे छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया टुडे ने कहा कि भाई आपके चलते आपके प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं आ रहा है, कोई मंत्री नहीं आ रहा है वहां पे, और चूंकि ये मंत्री प्रधानमंत्री ये लोग नहीं आते हैं तो आपके प्रोग्राम में विज्ञापन भी नहीं आता है, तो इसलिए करण थापर को छोड़ना पड़ा। रवीश कुमार जो NDTV इंडिया के थे, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने वो लगभग 9 साल से 10 साल से जो है वो बॉयकॉट किए हुए हैं वहां पे, और उनके किसी प्रोग्राम में ये लोग जाते नहीं थे, उनको कभी इंटरव्यू नहीं दिया जाता था, उनको कोई एक्सेस नहीं दिया जाता था। तो ये कोई नई बात नहीं है, राइट। तीसरी बात ये है कि भाई ये विपक्ष की पार्टियां जो है वो ये कह रही है कि भाई हमने उन एंकर्स का बॉयकॉट किया है कि जो नफरत फैलाते हैं, हम इसलिए नहीं बॉयकॉट कर रहे हैं या इसलिए हम असहयोग नहीं कर रहे हैं कि भाई वो हमसे सवाल पूछते हैं या हमारे नेताओं का माखौल उड़ाते हैं या हमारा जो वक्तव्य है उसको दिखाते नहीं है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं ये करते हैं, तरजीह देते हैं, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो 9 साल से वो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप नफरत फैला रहे हैं और हम उसका पार्टी नहीं बनेंगे, हम उसकी भागीदारी हम नहीं लेंगे, और नफरत फैलाते हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई शक नहीं है, क्योंकि इन एंकर्स के जो डिबेट्स हैं उसको अगर आप देखिए तो वो थूक जिहाद, वो कोरोना जिहाद, इस तरह के प्रोग्राम्स वो करते रहे, और नमाज पर जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ा करना, सड़क पर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं लोग, क्यों पार्क में पढ़ रहे हैं वहां पे, और उसको भी तरीके से नहीं दिखाते। तो ये नफरत तो फैल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक MP हैं निशिकांत दुबे, अब वो अगर पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि साहब राहुल गांधी या फलाने पत्रकार जो हैं ये चीन के दलाल हैं, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसको जब आप चैनल्स में आप दिखाते हैं और चैनल्स में एक्टर्स कहते हैं कि बहस कर रहे हैं कि भाई हाँ साहब ये चीन के दलाल हैं कि नहीं है, और उसमें अगर आप उनको बात करने का मौका ही नहीं देते जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो फिर ये जो है अनएथिकल ये लगता है। और ये हम लोगों ने देखा है कि NTCA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय जो प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग वगैरह, उस समय भी इसको हम लोगों ने ये देखा है वहां। अब सवाल है कि भाई नफा नुकसान, लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को नुकसान है क्योंकि विपक्ष को जो है वो स्पेस नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। विपक्ष ये कह रही है कि भाई हम चैनल का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं और चैनल में दूसरे लोगों का भी बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया टुडे में अगर गौरव सावंत को हम असहयोग कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन हम राहुल कनवल के प्रोग्राम में हम जाएंगे या राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में हम जाएंगे, है ना। तो मकसद ये लगता है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं वहां पे, और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात ये हो रही है कि इसी बहाने लोग है वो टेलीविजन न्यूज के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में, क्या प्रोग्राम होता है, क्यों लोग उसको देखते हैं, इस पर जो है एक बहस छिड़ गई है, जो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता जरूरी है। लेकिन लोग ये भूल चुके हैं, लोगों को लगता नहीं है कि भाई अखबार जरूरी है, टेलीविजन न्यूज जरूरी है, खबरें जरूरी है, जो
बैलेंस्ड हो, फैक्चुअल हो, वो खबर जो है मिलना जरूरी है उनको। इससे अब कोई मतलब नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर वो देखते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि नफा नुकसान किसको क्या होगा वो तो आगे का समय तय करेगा वहाँ, लेकिन एक फायदा जरूर हो रहा है कि लोग अगर जागरूक हो जाए और लोग अगर इस मुद्दे को समझना शुरू करें, टेलीविजन में जो दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं, जो बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है वहाँ पे, और उसका पीछे मकसद क्या है और कौन सी राजनीति है, तो ये लोगों के लिए अच्छा है, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है और पत्रकारिता के लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि चैनल सुधर जाए, हो सकता है एंकर सुधर जाए, हो सकता है सबकी भलाई हो। बहुत सुंदर उत्तम दा। हम लोग ये अगला जो सवाल था हमारा, जो काफ़ी लोग इस पर समझना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव आयोग को का रूप रंग बदलने की जो कोशिश एक शुरू हुई है मोदी सरकार के द्वारा, जो एक बिल लाकर उसको बदल कर उसके उसके कामकाज में, उसके चयन में जो वहाँ के अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त गण हैं, उनको बदलने की जो प्रक्रिया है उस पर एक ज़बरदस्त फेरबदल की कोशिश हो रही है। अब आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये 1952 से हमारे यहाँ चुनाव करवाती रही है। और ये चुनाव आयुक्त जो है उनका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते रहे हैं, और सरकार या कैबिनेट के सलाह से, प्रधानमंत्री के सलाह से उन्होंने वो नियुक्ति करते हैं। और ज्यादातर नियुक्तियां मैंने पहले दो चार दस साल अगर आप छोड़ दें वहां पे, तो ज्यादातर नियुक्तियों में IAS ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार की सेवा किए हुए हैं और रिटायर कर चुके हैं, उनको जो है वो निर्वाचन आयुक्त इन्होंने बनाया। कई सरकार है, सब सारी सरकारों ने ऐसा किया है वहां। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में एक रूलिंग उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान सभा थी, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि भाई चुनाव आयुक्त जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसको आजाद होना चाहिए और उसको इतना अथॉरिटी होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को भी चाहे तो वो फाइन कर सके, उसको उस पर जो है टिप्पणी कर सके, उसको चुनाव लड़ने से रोक सके वहां पे। तो ये वहां पे बहस में जो है ये हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि भाई अगला पार्लियामेंट जो होगा, लोकसभा होगा, वो एक कानून बनाएगी और वो कानून बना के किस तरीके से चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंस दिया जा सकता है उस पर विचार करेगी। लेकिन हम लोगों ने 70 साल से इस पर कोई विचार नहीं किया वहां, और पहले एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, उसके बाद इन्होंने और दो चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी और 3 मेंबर का ये इलेक्शन कमीशन होने लगा वहां पे। अभी जो इन्होंने अभी जो बिल लाया वो रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जो मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस साल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि आपने कानून अभी तक नहीं बनाया है, पार्लियामेंट में संसद में कानून नहीं बनाया है, तो तब तक चुनाव आयुक्तों का जो अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति जो होगी, वो 3 लोगों की एक कमेटी करेगी, उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और ऑपोजिशन के विपक्षी दल के नेता होंगे लोकसभा में। तो ये 3 लोगों की कमेटी मार्च महीने में इन्होंने ये किया, और ये इंटरिम अरेंजमेंट था कि तब तक जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए। अब ये सरकार जो है वो कानून बनाने जा रही है, बिल उन्होंने पेश कर दिया। तो ये बिल में 2 चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। एक चीज ये जिक्र किया है कि भाई निर्वाचन आयुक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष होता था, बराबरी करते थे, वो नहीं होके वो कैबिनेट सेक्रेटरी के दर्जे के होंगे। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें चीफ जस्टिस को हम नहीं रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश को नहीं रखेंगे, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचित एक और मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। तो जाहिर है कि ये कमेटी जो है उसमें प्रधानमंत्री का ही दबदबा रहेगा और प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं वही वो बनेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट के खिलाफ है, जो आजादी, जो स्वतंत्रता आप देना चाहते थे
वहाँ पे निर्वाचन आयोग को वो नहीं मिलेगी और पूरी तरीके से जो है ये सरकारी दफ्तर बनकर रह जाएगा। अभी भी निर्वाचन आयोग जो है वो सरकारी दफ्तर ही है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त के पैसे जो है, बजट जो है वो सरकार से आती है, वहाँ पे सरकार अगर चाहे तो उसको रोक सकती है। निर्वाचन आयुक्त में काम करने वाले जो है वो के सारे डेपुटेशन पर आते हैं और वो सरकार के कर्मचारी होते हैं वहाँ। तो अभी भी सरकार जो है वो उनका दबदबा चलता है निर्वाचन आयोग में जो है, और इसका मिसाल हम लोगों ने देखा 2019 में एक निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा थे, वो अशोक लवासा ने एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा उन्होंने कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, और बाकी दो निर्वाचन आयुक्त उनसे सहमत नहीं हुए। तो मेजॉरिटी डिसीजन से वो खारिज कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छूट दे दी गई, ठीक है, उन्होंने नहीं किया वायलेशन। अशोक लवासा ने कहा कि साहब मेरा जो नोट ऑफ डिसेंट है, मैंने जो कहा है वो नोट पे रहना चाहिए, वो नोटिंग में फाइल में दर्ज होना चाहिए, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद अशोक लवासा, उनकी पत्नी और उनके घर वालों पर जो है वो इनकम टैक्स और ईडी वगैरह का नोटिस और रेड वगैरह ये सब होने लगा और वो अखबारों में छपने लगा कि साहब ये हुआ अशोक लवासा के यहाँ हुआ निर्वाचन आयुक्त। और इसका असर ये हुआ कि अशोक लवासा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते थे वो इस्तीफा देकर वो देश के बाहर चले गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक असाइनमेंट लेके वो चले गए वहां। लेकिन इसके पहले आप याद कीजिए कि 2007 में निर्वाचन आयुक्त ने सोनिया गांधी को फटकार लगाई थी जब सोनिया गांधी ने मोदी जी के बारे में कहा था कि ये मौत के सौदागर है, और सुप्रीम निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि नहीं साहब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसी तरीके से सलमान खुर्शीद जो मंत्री थे वहां पे, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो दो बदलाव ये लोग ला रहे हैं, इस बदलाव के बाद क्या निर्वाचन आयोग जो है किसी मंत्री किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर पाएगी, या निर्वाचन से रोक पाएगी, या धांधली नहीं हो वहां पे, शासक दल धांधली नहीं करे, इसके बारे में कोई स्टेप उठा पाएगी, ये सवाल जो है वो अहम है। और सरकार की तरफ से अभी तक जो बोला जा रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी का पैसा जो है, तनख्वाह जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होता है, और प्रोटोकॉल जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो सरकार का होता है, ये पहले राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, फिर स्पीकर हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं वगैरह वगैरह, उसमें नौवां स्थान सुप्रीम कोर्ट जजेस का है, और 9A जो है वो निर्वाचन आयुक्त का है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, तो वो तो हम बदल नहीं रहे साहब, तो आपको क्या एतराज है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उस पर सवाल ये उठता है कि अगर कुछ आप बदलाव नहीं कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप बदलाव कर क्यों रहे हैं? इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक मिला नहीं है। शायद ये सत्र में जो विशेष अधिवेशन इन्होंने बुलाया है उसमें जो है सरकार इसको साफ करे, ये हम लोगों को सबकी उम्मीद है कि भाई उसको साफ करेंगे, साफ करेगा। तो अगला जो है संसद के विशेष अधिवेशन यानी सत्र पर अटकलबाजियां जारी क्यों हैं, ये खूब चर्चा में है कि भाई आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि कई तर्क दिए जा रहे हैं इस पर हम समझना चाहते हैं कि आपके विचार से इसके पीछे मकसद क्या होगा। देखो ये तो जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई दो ही लोगों को पता है इस देश में जो कुछ भी होता है आजकल, ये दो ही लोगों को पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है, तो इसलिए अटकलबाजियां तो होंगी वहां पे। विशेष सत्र बुलाने का क्या मकसद है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा मानसून सत्र जो है संसद का वो 11 अगस्त को खत्म हुआ, 11 अगस्त को खत्म हुआ, और आप 18 सितंबर को 5 दिनों का विशेष सत्र आप बुला रहे हैं वहां पे 5 हफ्ते के अंदर। तो 5 हफ्ते के अंदर अगर आप विशेष सत्र बुला रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल तो लाजमी है वहां। जबकि एक विंटर सेशन भी सत्र का होता है, संसद का होता है, जो नवंबर में अमूमन मिलती है। तो एक अटकलबाजी ये है कि भाई नवंबर में चूंकि चुनाव होने हैं कई राज्यों में, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि भाई नवंबर में सत्र को बुलाया जाए वहां पे, और फिर फरवरी में जो है वो आपको बजट सत्र करना ही है, तो इसलिए जो है ये सेशन बुलाया जा रहा है, ये एक मामला है। लेकिन विंटर सेशन जो है वो दिसंबर में भी बुलाया गया है
ऐसा नहीं है कि वो दिसंबर में नहीं बैठी हो। दूसरा सवाल ये है कि भाई एजेंडा इस विशेष सत्र में आप किस लिए बुला रहे हैं। ये एक हफ्ते तक या 10 दिनों तक जो है सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया वहाँ। या तो सरकार को खुद ही पता नहीं होगा कि भाई हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, या पता होगा तो वो बताना नहीं चाहती। तो सवाल है कि क्यों नहीं बताना चाहती। अब जब एक हफ्ते के बाद सरकार ने ये बताया है वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि पहला दिन जो है वो हम डिस्कस करेंगे संसद के 70 साल पर। 70 साल में जो भारतीय संसद है उसका क्या अनुभव रहा है, क्या हम लोगों ने सीखा है वगैरह, इस पर जो है हम विचार करेंगे। तो ये विचार तो मानसून सत्र में भी हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वो आपने नहीं किया। तो अचानक आप एक दिन जो है उस पर लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने 4 बिल्स का हवाला दिया वहाँ पे कि एडवोकेट्स एक्ट में हम बदलाव लाएंगे, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम बदलाव लाएंगे, और पोस्ट ऑफिस एक्ट में हम बदलाव लाएंगे, और ये इलेक्शन कमीशन वाला जो है वो बदलाव लाएंगे। और ये सब मामूली बदलाव है, टेक्निकल है, इसमें कुछ है नहीं वगैरह वगैरह, ये सरकार की तरफ से कहा जाता। तो मामूली बदलाव अगर है, अगर सामान्य बदलाव है और 70 साल में ये नहीं बदला है वहाँ पे, तो फिर आप 2-3 महीने के बाद क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसलिए भी अटकलबाजी है कि भाई आप नहीं रोक के अगर विशेष अधिवेशन आप बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई मकसद है वहाँ पे, तो वो मकसद क्या है। और आखिरी बात जिसके लिए ये अटकलबाजियां जारी है वो इसलिए है कि ये जो बुलेटिन निकाला है लोकसभा के और राज्यसभा की तरफ से, वहां पे ये कहा गया है कि साहब ये एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट। बिजनेस जो हम बता रहे हैं ये 4 बिल, उसके अलावे भी सरकार अगर कुछ चाहे तो वो उसको ला सकती है। तो इसलिए अटकलबाजी है कि भाई क्या ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन लाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी, इंडिया का नाम भारत होगा वो करेगी वहां पे, क्या करेगी। तो भाई सरकार बहादुर तो जो चाहे वो कर सकती है, मेजोरिटी है तो करेगी वो वहां। तो इसलिए अटकलबाजियां जारी हैं। और कल जो है वो सत्र शुरू हो रहा है, तो उम्मीद है अगले रविवार के पहले हम लोगों को इस सबका जवाब मिल जाएगा। ये बात आपने सही कहा, कैसे भी मोदी सरकार के बारे में सब कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस सरकार में। नोटबंदी को लोग बार बार चर्चा करते हैं, कई और घटनाएं जो हैं, तो लॉकडाउन है जी, कानून वगैरह जो है जिसको हटाया गया वो है, और पार्लियामेंट में ये कुछ डिस्कस करते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये पार्लियामेंट में जो कानून लाते हैं या बिल लाते हैं इस पर किनसे ये सलाह मशविरा करते हैं, क्या ला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना ये जरूरी भी नहीं समझते। नहीं सही है, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों के साथ भी कोई सलाह मशविरा नहीं होता है, नहीं होती है। एक्सपर्ट्स के साथ अगर होता होगा तो वो एक्सपर्ट कौन है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन के अभी इलेक्शन कमिश्नर्स जो रह चुके हैं वो एक चिट्ठी लिखने वाले हैं प्रधानमंत्री को कि भाई ये बदलाव आप मत कीजिए बिल में, राइट। सवाल है कि जब आपके पास 6-7 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वहाँ, तो उससे आपने बात क्यों नहीं की है। हम तो सही है, उससे आपने सलाह क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ली, क्यों नहीं? सही का। और आप विपक्ष को कुछ नहीं बताएंगे, लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। और इसके इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी की है कि संसद में जो कानून बन रहे हैं वो बहुत खराब कानून बन रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है, वहां पे भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है, और इसके चलते कोर्ट को दिक्कत हो रही है। ये कोर्ट को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बहस नहीं होता, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता नहीं है और स्क्रूटिनाइज नहीं होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी में जब आप बिल भेजते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रिविलेज है कि वो किसी एक्सपर्ट को बुला के डिस्कस कर सकता है, वो बुला के डिस्कस कर सकता है, मंत्री को बुला के वो पूछ सकता है कि भाई ये आपने क्यों डाला, तो वो कानून को जो है वो और बेहतर बना सकते हैं। बहुत सही कहा, उस पर भी ये सरकार का प्रयास बहुत बहुत दुखद है। तो आज तो हम लोगों का आज का समय समाप्त हो रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि अभी जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है या होने वाला है कल से, उस वो बहुत ही सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। और आप तो जाहिर है कि आपकी वो तिरछी नज़र भी होगी,
तीखी नजर भी होगी। तो हम लोग अगली बार जो सुनेंगे आपसे पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या माजरा रहा, इसके अंदर की बातें, जाहिर है ये हमारे दर्शक उसके लिए इंतजार करेंगे। कुछ तकनीकी गड़बड़ियां आज हुई हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उसमें अगली बार हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से और पेश कर पाएँ, और हम लोग फैक्ट फोल्ड के जो जो लाइव था उसको हम लोगों ने इस बार ड्रॉप करना पड़ा, और वो अभी हम 10 मिनट के अंदर हम उसको अपलोड कर रहे हैं, हाँ, वो फैक्ट फोल्ड पर, और फेसबुक पर तो ये चल ही रहा था। दर्शकों से अनुरोध है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो में आप उत्साह बढ़ाना चाहते हैं हमारा तो लाइक करें और अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। उत्तम दा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वक्त निकालते हैं और बहुत हमारे लिए तैयारियां करके आपके लिए चीज़ें लाते हैं, तो एक बार फिर से आप सबको बहुत धन्यवाद।